समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेरेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। बीते कुछ समय में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे अन्याय की घटनाओं में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ अराजक तत्व तो देश में अराजकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। उसी सब के विरोध में श्री महामाई मित्र सेवा समिति महिला शाखा आगरा के द्वारा सोमवार को शहीद स्मारक संजय प्लेस पर एक दिवसीय उपवास व धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही समिति के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया गया। ये श्री महामाई मित्र मंडल सेवा समिति आगरा द्वारा आज एक प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जाना है, दिया गया है, और जो मेरे द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेज दिया जाएगा प्रधानमंत्री भारत सरकार को। इसमें इन्होंने जो अभी हाल ही में कठुआ में और उन्नाव में जो महिलाओं के साथ में और बच्ची के साथ में बलात्कार वाली घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में जो राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके विरोध में कठोर कानून बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, और इसमें कठोर कानून बनाकर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। उनका ज्ञापन संबंधित माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेज दिया। देखिए, बड़े शर्म का विषय है, जो कि भारतीय जनता पार्टी जैसा एक राष्ट्र संगठन, जिसकी शाखाएं RSS और BHP के गढ़ों से निकली हुई संगठन, BJP में कुछ तथाकथित नेता, विधायक, जिलाध्यक्ष जैसे आरोप लग रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। और इसी क्रम में शहीद स्मारक पर आज श्री महामाई मित्र मंडल सेवा समिति महिला शाखा द्वारा यहाँ पर एक दिन का धरने का कार्यक्रम किया गया और मांग की गई, साथ में प्रशासन से मांग की गई कि इस कार्रवाई में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, तथा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि संसद में एक विधेयक लाके जो छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया है इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है और हम आभारी हैं प्रशासन के जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। सोना मीना देवी दिवाकर है, महामाई मित्र संगठन मंदिर के चयन मंडल अध्यक्ष, और जो बच्चियों के साथ में शोषण हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को हम कन्याओं के रूप में गांव के रूप में पूछते हैं, औरतों को कहीं सुरक्षा नहीं मिलती है, इनका शोषण पहले किया जाता है, फिर इनको मार दिया जाता है बेरहमी से, उसके माध्यम में उसके उसमें हमने ज्ञापन दिया है आज जिला अधिकारी जी को, प्रधानमंत्री के लिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी औरतें सुरक्षित नहीं है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, अगर अन्यथा अगर ऐसा ही चलता रहा शासन में, अगर हमारी बच्चियां और औरत सुरक्षित नहीं रही तो फिर हमारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अन्यथा अगर सुरक्षा नहीं मिली तो हम जैसी औरतें फिर हम रोड पर उतर आएंगे, शासन और प्रशासन की ईंट से ईंट बन जाएंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ समय में हत्याओं का आंकड़ा लगभग 4000 तक पहुंच गया है, जिसमें ज्यादातर नाबालिग लड़कियां हैं, जिसका विरोध करते हुए श्री महामाई मित्र मंडल सेवा समिति महिला शाखा आगरा के द्वारा एक दिन का धरना प्रदर्शन व उपवास रखा गया, और साथ ही सरकार और प्रशासन से ये अपील भी की गई कि इस तरह के कृत्यों को करने वालों को फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी ऐसा करने से पहले सोचे, और ऐसा नहीं होता है तो श्री महामाई मित्र मंडल सेवा समिति शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगी। अर्थ न्यूज के लिए अधिराज सिंह की रिपोर्ट। घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं कोयल पेंट, सुल्तानगंज के पुलिया, बाईपास रोड, आगरा।
आगरा पर। निदेशक मुरारीलाल गोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।